हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी एआरजे एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम मिशिमा को देखते हैं। मिशिमा के चेहरे पर एक स्माइल होती है और मिशिमा बोलता है कि क्या हुआ, क्या आप तो मेरा सामना नहीं करना चाहते हो, या फिर इस बात को सुनकर ही तुम्हारी पैंट गीली हो गई। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि तुम डेविल थे, वो भी लूसिफ के आने से पहले। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वेजिटो के अंदर यामोशी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। यामोशी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर मिशिमा कैसे डेविल बन सकता है। इसके बाद वेजिटो एकदम से मिशिमा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वेजिटो मिशिमा से बोलता है कि तुम जितने साधारण दिखते हो उतने हो नहीं, इसका मतलब ये है तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लगते हो, पर तुम इतने भी ओल्ड नहीं हो। आखिर तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है कि तुम डेविल थे लूसिफ से पहले, आखिर तुम हो क्या, जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो। जवाब में मिशिमा बोलता है कि क्या मैं इस चीज़ को एक कॉम्प्लीमेंट समझूँ, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मेरे अंदर डेविल जीन मौजूद है और इसीलिए मेरे पास तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है मॉर्टल, और मैं वो हूँ जो मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया, एक फॉर्मर डेविल, सबसे पावरफुल डेविल इस डिवन राइम का, लूसिफ के आने से पहले। पर अब क्योंकि ले लूसिफ वापस जा चुका है, तो इसीलिए अब इस राइम का न्यू डेविल लूसिफ नहीं है और शायद मैं भी नहीं हूँ, पर कुछ साल पहले तक सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए डेविल रहने वाला डिवन मैं ही था इस राइम का, मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता था। पर कुछ साल बाद वो बेवकूफ़ एंजल यहाँ पर आ गया, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, वो भी एक के बाद एक डिवन एम्परर को हराता गया और फिर वो मेरे तक भी पहुँच गया। मेरे और उसके बीच इंटेंस बैटल हुई, हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर थे। उस एक्स एंजल ने मेरे से मेरा बैच निकाला, पर जब मुझे उसके वेसल के बारे में पता चला जो कि तुम थे गॉड किलर, मैं यहीं पर रुक गया और यहीं पर तुम्हारा वेट करता रहा कि कब तुम आओगे और मुझे चैलेंज करोगे। एक बारी मैं तुम्हें हरा दूँ तो मैं बिल्कुल सेम चीज़ उसके साथ भी करूँगा। तभी वेजिटो एकदम से बोलता है कि तुम लूसिफ को हराओगे, मुझे माफ़ करना, तुम्हारी कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी पर मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। मुझे पता है कि लूसिफ की पावर कैसी है, मैंने उसे अपने अंदर महसूस किया है, और मैं अगर लूसिफ के ताकत का एक छोटा सा हिस्सा भी यूज़ करता हूँ तो शायद मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ और इस तरीके की तबाही कर सकता हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए तुम अगर मुझे हरा भी देते हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं तुम्हें हरा दूँ तो, अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो तुम्हारी एनर्जी मेरे अंदर आ जाएगी, जिसका मदद लेके मैं एक स्टेप और भी ज़्यादा करीब पहुँच जाऊँगा लूसिफ से बदला लेने में। ये कैसा होगा कि तुम मेरा समय बर्बाद करना बंद कर दो और मुझे और मेरी आर्मी को ज्वाइन कर लो मेरे अंदर और एक हो जाओ गॉड किलर के साथ। तभी इसके बाद मिशिमा बोलता है कि तुम मुझसे क्या चीज़ मांगने जा रहे हो, तुम्हें पता भी है मॉर्टल, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, डेविल जीन को एक खिलौना नहीं है जिसके साथ तुम खेल सकते हो और उसे कंट्रोल कर पाओगे, और जब तुम्हें डेविल जीन कंज्यूम कर जाएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें लूसिफ की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और इस बारे में तुम मेरे बेटे से पूछ सकते हो, पर इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरे साथ फाइट करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरीके की गलतियाँ तुमने की है अपने सफ़र में। तभी इस बात को सुनकर वेजिटो जवाब में बोलता है कि तुम्हारा बेटा, मैंने जितना सोचा था हम उससे ज़्यादा सिमिलर है और हम में काफ़ी ज़्यादा एक जैसी बातें भी मौजूद है। तभी मिशिमा एकदम से हंसने लग जाता है। मिशिमा बोलता है कि नहीं, दरअसल यही वो पॉइंट है जहाँ पर हर चीज़ का अंत होता है। और जैसे ही मिशिमा ऐसा बोलता है वैसे ही मिशिमा एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर, पर हम देखते हैं कि वेजिटो मिशिमा के अटैक को डॉच कर देता है और वहीं पर वेजिटो का किक मिशिमा ब्लॉक कर देता है। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों ही वॉरियर्स फिर से तैयार हो जाते हैं एक और मूव करने के लिए। वेजिटो और मिशिमा एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और जैसे ही वो दोनों टकराते हैं हम देखते हैं कि उन दोनों के सिर आपस में टकरा जाते हैं, दोनों के बीच ज़बरदस्त हेड कोलिजन होता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें इस हेड कोलिजन का इम्पैक्ट दिखता है। हम देखते हैं कि मिशिमा काफ़ी ज़्यादा दर्द में लग रहा होता है और पहली बार ही वेजिटो ने मिशिमा को चोट पहुंचाया हुआ होता है। मिशिमा बोलता है कि बेवकूफ़ कही के, मिशिमा इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो एकदम से मिशिमा के शर्ट को पकड़ लेता है और वेजिटो मिशिमा से बोलता है कि सिर्फ एक बेवकूफ़ ही ऐसा सोच सकता है, और वेजिटो मिशिमा से बोलता है कि सिर्फ एक बेवकूफ़ ही एक सैयन से हेड कोलिजन का सोच सकता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस तरीके का अटैक करके एक सैयन से बच जाओगे, तुम्हें तुम्हारी जगह पता होनी चाहिए कीड़े कही के।
हम देखते हैं कि उस टकराने के वजह से वेजिटो को भी चोट लगा हुआ होता है और वेजिटो के भी सिर से खून निकल रहा होता है। पर वेजिटो किसी तरीके से अपने आप को संभाल लेता है और एक और अटैक कर देता है मिशिमा के ऊपर, जिसके वजह से मिशिमा काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है। पर गिरने से पहले मिशिमा अपने आप को संभाल लेता है और मिशिमा फिर से अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। मिशिमा बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की कुत्ते। मिशिमा इतना बोला ही होता है कि तभी मिशिमा के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है। मिशिमा के पीछे गॉड किलर आ चुका होता है और वेजिटो ने ये इतना तेजी से किया हुआ होता है कि मिशिमा को तो पता भी नहीं चलता कि कब वेजिटो उसके पीछे आ गया। वेजिटो बोलता है कि अभी मैं एक बेवकूफ डेविल से बात कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम देखते हैं कि मिशिमा को एक जबरदस्त अटैक आकर लगता है, जिसके वजह से मिशिमा काफी दूर जाकर गिरता है। और वेजिटो मिशिमा से बोलता है कि अगर तुमने सच में लूसिफ को दिक्कत दी थी तो इसका मतलब ये है कि मैं लूसिफ से ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। क्या मैंने सही कहा मिशिमा? वेजिटो को लग रहा होता है कि वो मिशिमा को काफ़ी आसानी से हरा देगा, पर इसके दूसरे ही पल वो हो जाता है जिसका डर होता है। वेजिटो की आंखें एकदम से खुली की खुली रह जाती है और वेजिटो बोलता है कि क्या? और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को एक ज़बरदस्त बीम अटैक आकर लग जाता है। ये बीम अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये बीम अटैक बिल्कुल ही वेजिटो के मुंह के अंदर से निकल जाता है और वेजिटो के चेहरे पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। साथ ही में इस बीम अटैक का इफेक्ट उस बिल्डिंग पर भी दिखता है, वो बिल्डिंग भी एकदम से टूटने लग जाती है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें उस अटैक का पूरा इम्पैक्ट दिखता है वेजिटो के ऊपर। वेजिटो का एक हाथ भी कट गया रहता है और वेजिटो अब इस हालत में होता है कि वेजिटो अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। पर इसके दूसरे ही पल वेजिटो अपने आप को ठीक कर लेता है। वेजिटो बोलता है कि तो ये काम करने के लिए तुम्हारे पास वो थर्ड आई है। मुझे लगता है कि टीएन काफ़ी कुछ सीख पाता तुमसे। मिशिमा ने अपने थर्ड आई से अटैक किया हुआ होता है वेजिटो के ऊपर, जिसके वजह से मिशिमा के थर्ड आई से अभी भी धुआं निकल रहा होता है। मिशिमा बोलता है कि ये तो एक और स्पेशलिटी है डेविल जीन का, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना मॉर्टल। मिशिमा के ये बोलते ही एकदम से मिशिमा के तीनों आँखें चमकने लग जाती है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि फिर से आखिर ये इतना तेज क्यों है। वेजिटो के इतना बोलते ही मिशिमा एक और अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर और ये अटैक काफी नजदीक से गया हुआ होता है वेजिटो के, पर वेजिटो अपने आप को इस अटैक से बचाने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो को मिशिमा के पीछे एक डेविल दिख रहा होता है और मिशिमा वेजिटो से बोलते है कि कैसा लग रहा है, आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है डेविल जिन का असली पावर का स्वाद चख के। के अंदर जो डेविल का एप्रिजन वर्जन है वो वेजिटो से बोलता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या अब तुम्हें एक कुत्ते वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि तुम इधर उधर भाग रहे हो। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वेजिटो बोलता है कि क्या? तभी वेजिटो को एक जबरदस्त अटैक आकर लग जाता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वेजिटो काफी दूर जाकर गिरने वाला होता है। वेजिटो बोलता है कि ये पावर। वेजिटो एकदम से उस टावर के बाहर जाकर गिरता है। इसके बाद हमें वेजिटो के ऊपर हुए उस अटैक का इम्पैक्ट दिखता है वेजिटो के ऊपर। वेजिटो के मुंह से खून निकल रहा होता है और वेजिटो थोड़ा दर्द में लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि क्या मैंने किसी तरीके की चीज़ को मिस कर दिया या फिर ये डीमन वक्त के साथ और भी ज़्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। इसके साथ फाइट करने जैसा तो ऐसा है जैसे ब्रॉली के साथ मैं दोबारा लड़ाई कर रहा हूँ। आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बनता जा रहा है? क्या मैंने किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को मिस किया इसके? मिशिमा को काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होती है वेजिटो के ऊपर अटैक करने के बाद और वेजिटो की इस तरीके की हालत करने के बाद। मिशिमा ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। मिशिमा बोलता है कि तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है बेवकूफ़ कि तुम किसका सामना कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बहुत ही जल्द दिखा दूंगा कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है गॉड किलर मेरे सामने। मिशिमा के इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वेजिटो काफ़ी ज़रा हैरान लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या था? ये तो बिल्कुल टोपो जैसा है पर थोड़ा सा अलग भी है। मिशिमा के बॉडी के ऊपर भी टोपो जैसा सिंबल होता है, जिसके वजह से मिशिमा थोड़ा बहुत टोपो की तरह लग रहा होता है वेजिटो को। मिशिमा बोलता है कि क्या तुमने इस तरीके की चीज़ पहले भी देखी है गॉड किलर? ये नेक्स्ट स्टेज है डेविल जीन का। जैसे जैसे मेरे बॉडी के अंदर डेविल जीन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरी ताकत भी बढ़ती जाएगी गॉड किलर। और ये डेविल जीन तभी रिस्पॉन्स करता है जब इसके सामने कोई ताकतवर चैलेंजर आता है और अपने चैलेंजर की ताकत के हिसाब से ये चीज़ों को अडेप्ट करता है। पर ये काफ़ी ज़रा शर्म की बात है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी आंखों से मेरी सिर्फ इतनी ही ताकत को देख पाओगे। दूसरी तरफ वेजिटो के चेहरे पर अभी भी एक स्माइल होती है। वेजिटो अभी भी हारा नहीं होता। वेजिटो बोलता है कि ओह इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी अच्छी एबिलिटी है तुम्हारी। इस तरीके की एबिलिटी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी जब मैं लूसिफ का सामना करूँगा। वेजिटो के इस तरीके के एटीट्यूड को देखकर मिशिमा भी काफ़ी ज़रा खुश हो जाता है।
मिशिमा बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो, ज़्यादातर मेरे चैलेंजर इस तरीके की ताकत को देखकर भाग जाते हैं, पर तुम तो मेरी इस तरीके की ताकत को देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो। क्या तुम एक बेवकूफ़ हो मॉर्टल, या फिर तुम्हारे पास और भी कुछ है मुझे दिखाने के लिए? मिशिमा की ये बोलती वेजिटो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है, और जैसे ही वेजिटो अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है वैसे ही वेजिटो एकदम से मिशिमा की तरफ बढ़ने लग जाता है, और वेजिटो को अपनी तरफ आता देख मिशिमा बोलता है कि वो दोबारा बदल चुका है। और देखते ही देखते वेजिटो और मिशिमा एकदम से आमने सामने आ जाते हैं। मिशिमा एक जबरदस्त पंच मारता है वेजिटो को, पर वेजिटो उसे काफी आसानी से डॉच कर देता है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने डेविल चिन को और भी ज़्यादा फोर्स करना होगा ताकि ये और भी अच्छी तरीके से काम करता रहे। मेरे दोस्त, तुम्हारे और मेरे ताकत के बीच का गैप ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। वेजिटो को अपने अटैक को डॉच करता देख मिशिमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मिशिमा बोलता है कि तुम चुप रहो मॉर्टल। तभी एकदम से मिशिमा वेजिटो से अलग हो जाता है और एकदम एक सेफ जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। मिशिमा बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ और ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। जैसे ही मिशिमा ऐसा बोलता है वैसे ही मिशिमा एकदम से पावर अप करने लग जाता है। मिशिमा का पावर अप इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि मिशिमा के तीनों आंखें चमकने लग जाती है। मिशिमा वेजिटो से बोलता है कि क्या इतना काफ़ी होगा तुम्हारे लिए वेजिटो? वहीं पर दूसरी तरफ भी वेजिटो अपना पावर अप कर रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, और एक ही पल में वेजिटो और मिशिमा अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। और जैसे ही वेजिटो और मिशिमा अपियर होते हैं वैसे उन दोनों की हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। वेजिटो और मिशिमा दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। मिशिमा वेजिटो से बोलता है कि तुम तो काफ़ी अच्छे फाइटर हो और तुम्हारी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पर क्या तुम इसे मेंटेन कर पाओगे? अब तुम मेरे इस एनर्जी कैप को ख़त्म करके दिखाओ। मिशिमा के ऐसा बोलते ही मिशिमा एकदम से पंचेस की बरसात कर देता है वेजिटो के ऊपर। मिशिमा बोलते हैं कि डरपोक कही के फाइट बैक करो। इस वक्त तक मिशिमा वेजिटो को डोमिनेट कर रहा होता है और वेजिटो को भी ये समझ चुका होता है, पर वेजिटो अभी भी हार नहीं मानता। वेजिटो मिशिमा से बोलता है कि तुम थोड़ा ध्यान रखो कि तुम मुझसे क्या मांगने जा रहे हो बेवकूफ़। वेजिटो इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो को एक अटैक आकर लग जाता है जिसके वजह से वेजिटो की हालत फिर से ख़राब हो जाती है, और एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और वेजिटो एकदम से एक चट्टान से जाकर टकराता है। पर हमें पता है कि वेजिटो भी जॉन सीना की तरह ही है, नेवर गिव अप। इतना पावरफुल अटैक लगने के बावजूद वेजिटो हार नहीं मानता और वेजिटो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि ये तो बहुत ही अजीब तरीके का फाइटिंग टेक्निक है, और वेजिटो एकदम से सेयन स्टाइल में अपना फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक देता है और फिर से टॉपलेस हो जाता है। मिशिमा वेजिटो से बोलता है कि क्या तुमने मिशिमा फाइटिंग स्टाइल को देखा? अब तुम्हें पता चल गया रहेगा कि सब लोग इस राय में मुझसे इतना क्यों डरते हैं वेजिटो। वेजिटो बोलता है कि ये खबर पुरानी है कि लोग तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल से डरते हैं, और कुछ देर बाद तुम्हारी खबर आनी ही बंद हो जाएगी क्योंकि कुछ देर बाद तुम मेरा ही पार्ट का हिस्सा बन जाओगे। मिशिमा बोलता है कि मैंने फिर से देखा कि आखिर लूसिफ ने तुम्हें ही क्यों चूज किया था। तुम चाहे मॉर्टल हो या ना हो, तुम्हारा वो बॉडी किसी भी डिवन के लायक है, और ये बॉडी किसी भी ग्रेट डिवन का सामना भी कर सकता है, पर तुम्हारा ये शरीर मेरे जैसे डिवन का सामना नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं तो असल में एक डेविल हूँ। मिशिमा के ये सेंटेंस खत्म होते ही वेजिटो और मिशिमा एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं और दोनों टकराने वाले होते हैं। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें बिल्कुल यही देखने मिलता है, मिशिमा और वेजिटो के एल्बोस आपस में टकराते हैं और इनका एल्बो कोलिजन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इनके सिर्फ एल्बो कोलिजन की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट के बाद हमें इस एल्बो कोलिजन का इम्पैक्ट दिखता है जो कि अनफॉर्चुनेटली वेजिटो के ऊपर ही हुआ होता है। इस कोलिजन के बाद वेजिटो की हालत थोड़ी सी खराब लग रही होती है, और वेजिटो साथ ही में थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हो चुका होता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, मैं हार नहीं मान सकता। तुमने शायद मुझे आमने सामने के बैटल में हरा दिया हो, पर तुम मेरी एनर्जी के साथ कभी मैच नहीं कर पाओगे अपने आप को। अपने डेविल जीन का टेस्ट करने का टाइम आ चुका है, और मुझे दिखाने का भी टाइम आ चुका है कि ये डेविल जीन क्या कर सकता है। अब तुम मेरे स्पेशल विम कैनन का सामना करो। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एक पावरफुल अटैक शूट कर देता है जो कि पिकोलो की स्पेशलिटी होती है, यानी कि स्पेशल विम कैनन। ये अटैक काफी तेजी से मिशिमा की तरफ आ रहा होता है, पर बावजूद इसके मिशिमा के चेहरे पर एक स्माइल होती है। मिशिमा बोलता है कि तुम तो एक बेवकूफ़ हो, अब शायद मेरे ये दिखाने का वक्त आ चुका है कि तुम कितने ज़्यादा यूजलेस हो मेरे सामने। अब तुम मेरे डेविल बीम का मुकाबला करो। मिशिमा एकदम से अपने थर्ड आई से एक एनर्जी बीम अटैक शूट करता है वेजिटो के ऊपर, जो कि स्पेशल बीम कैनल का मुकाबला करेगा, जिसका नाम है डेविल बीम। वेजिटो और मिशिमा एक दूसरे का नाम चिल्ला रहे होते हैं। वेजिटो बोलता है कि कजुआ।
मिशिमा बोलता है कि वेजिटो, और इसके बाद हमें एनर्जी बीम स्ट्रगल देखने मिलता है। दोनों ही एक दूसरे के अटैक को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर वेजिटो का अटैक डोमिनेट कर रहा होता है, जिसके वजह से वेजिटो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था डीमन। वही पर मिशिमा बोलता है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वेजिटो का अटैक लगातार पास आता जा रहा होता है मिशिमा के, और ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो का स्पेशल बीम कैनन अटैक लग जाएगा डेविल को। ये देखकर वेजिटो बोलता है कि बहुत अच्छा बैटल था ओल्ड मैन, कोशिश करना इस बीम स्ट्रगल में तुम्हारा बॉडी ना डिस्ट्रॉय हो जाए। देखते ही एनर्जी अटैक इतना ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है मिशिमा के कि मिशिमा को भी समझ जाता है कि वो इस अटैक का सामना नहीं कर पाएगा। मिशिमा के चेहरे पर एक स्माइल होती है। मिशिमा बोलता है कि तो यही तक था, लूसिफ के बाद तुम ही हो जिसकी मैंने उम्मीद भी की थी, बिल्कुल जैसा मैंने चाहा था। मिशिमा की ये बोलती एकदम से मिशिमा को वो अटैक जाकर लग जाता है, और जिसके वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वेजिटो खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा होता है और छोटी दिवाली का मजा ले रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि उसे मेरे बातों में नहीं आना चाहिए था, और एनर्जी वर्सेस एनर्जी अटैक के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे रॉ स्ट्रेंथ के मुकाबले में हरा दिया था, वो फाइटिंग स्टाइल जिसका नाम है मिशिमा फाइटिंग स्टाइल, शायद रोशी भी इसका सामना नहीं कर पाता। पर अब वक्त आ चुका है इसकी बॉडी को कलेक्ट करने का और इस डेविल चीन को अपने लिए लेने का। वेजिटो इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो देखता है कि एक एनर्जी अटैक उसकी तरफ आ रहा होता है उस धुएं के बीच से, और वेजिटो समझ गया रहता है कि मिशिमा अभी तक हारा नहीं है। वेजिटो बोलता है कि नहीं। वेजिटो के इतना बोलते ही एकदम से वो अटैक आकर वेजिटो से टकरा जाता है, और जिसके वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वेजिटो के ऊपर अटैक किसने किया था। वेजिटो के ऊपर अटैक करने वाला मिशिमा था। मिशिमा फिर से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। मिशिमा बोलता है कि वेजिटो मिशिमा के इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वेजिटो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या, आखिर तुम क्या हो। वहीं पर दूसरी तरफ मिशिमा की बॉडी पूरी तरीके से बदल चुकी होती है। मिशिमा की बॉडी और मिशिमा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसे हराना इम्पॉसिबल है। मिशिमा एकदम से वेजिटो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मिशिमा बोलता है कि हेलो वेजिटो, तुमने बिल्कुल कर दिखाया, तुमने मुझे मजबूर कर दिया, और इस मजबूरी की वजह से मुझे अपना पूरा एनर्जी रिवील करना पड़ा तुम्हारे सामने, और अब तुम मेरे उसी पावर का गवाह बनने जा रहे हो जो मुझे मेरी गति फिर से लौटा देगी, और इसी पावर का इस्तेमाल करके मैं लूसिफ से भी अपना बदला ले लूँगा। तभी वेजिटो फिर से खड़े होने की कोशिश करता है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारी पावर, तुम्हारा रिवेंज, मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल चुके हो बेवकूफ़। तुम ये भूल चुके हो कि ये कहानी मेरे लिए लिखी गई है, इसीलिए ये बदला भी मैं ही लूंगा, और तुम्हारी वो ताकत भी। वेजिटो अपने हाथ में स्लेयर ब्लेड बना चुका होता है, और इसके दूसरे ही पेज में वेजिटो एकदम से स्लेयर ब्लेड का इस्तेमाल करके मिशिमा के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वेजिटो बोलता है कि अब मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा मिशिमा। पर जैसे ही वेजिटो अपना अटैक लैंड करता है मिशिमा के ऊपर, वैसे ही वेजिटो को पता चलता है कि उसका अटैक बिल्कुल ही बेकार है मिशिमा के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि क्या, आखिर ये किस तरीके की फीलिंग है, क्या मैं इसे नहीं हरा सकता। जवाब पे मिशिमा बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटो, ये ऐसी बैटल है जो तुम कभी जीत ही नहीं सकते। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। क्या वेजिटो मिशिमा को हरा पाएगा, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।